अब कुछ एडवांस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टाइप ऑफ रिजल्ट सेट, जैसे हमारे पास एक टॉपिक है, इससे पहले आप देख चुके हैं रिजल्ट सेट किस तरह काम करता है। और हमने कहा था बाय डिफॉल्ट रिजल्ट सेट जो है वो हमारा जो है ना फॉरवर्ड ओनली रिजल्ट सेट होता है। तो ये अब डिफरेंट और टाइप्स हमारे पास, जैसे फॉरवर्ड ओनली है, स्क्रोल इनसेंसिटिव है एंड टाइप स्क्रोल सेंसिटिव है। ये तीन किस्म के बेसिक रिजल्ट सेट है। फॉरवर्ड ओनली का मतलब है कि आपका रिजल्ट सेट सिर्फ आगे ही मूव करेगा, 1 2 3 4 5 इस तरह मूव करेगा। अच्छा, लेकिन जब हम बात करें स्क्रोल इनसेंसिटिव, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों तरफ जो है वो काम करेगा। यानी आप रिजल्ट आगे भी मूव कर सकते हैं, बैक पीछे भी मूव कर सकते हैं, मूव बैकवर्ड भी कर सकते हैं, किसी पोजीशन पे जंप भी आप कर सकते हैं। और इनसेंसिटिव का ये मतलब है कि अगर चेंज किया किसी और रिजल्ट सेट ने, किसी और प्रोसेस ने, किसी और थ्रेड ने, तो उसमें ये होगा कि आपका ये इनसेंसिटिव होगा, ये उसको चेंज उसको नहीं दिखाएगा। ये उस कनेक्शन, अगर एक कनेक्शन ओपन हुआ है और मीन वाइल एक और कनेक्शन किसी और एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है, वो चेंज अगर कर रहा है तो रिजल्ट सेट उसको नहीं दिखाएगा, ठीक है। इनसेंसिटिव में ऐसा नहीं होगा, जबकि सेंसिटिव के अंदर आप मूव बैकवर्ड फॉरवर्ड और जंप भी कर सकते हैं किसी पोजीशन पे। लेकिन अगर कोई और इंस्टेंस, कोई और प्रोसेस चेंज कर रहा है डेटाबेस के अंदर, तो वो उसको भी शो कर देगा, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट किस्म की टाइप है, फॉरवर्ड ओनली, स्क्रोल इनसेंसिटिव, स्क्रोल सेंसिटिव। फॉरवर्ड ओनली मीन्स दैट रिजल्ट सेट कैन ओनली बी नेविगेट फॉरवर्ड, दैट इज यू कैन ओनली मूव फ्रॉम 1 2 3 4 इस तरह सिक्वेंशली मूव कर सकते हैं, यू कैन नॉट मूव बैकवर्ड इन द रिजल्ट सेट। स्क्रोल इनसेंसिटिव मीन्स दैट रिजल्ट सेट कैन बी नेविगेट या स्क्रोल, जो भी आप वर्ड बोल रहे हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यू कैन ऑल्सो जम्प टू पोजिशन रिलेटिव टू करंट पोजिशन और जंप टू एन एब्सोल्यूट पोजिशन, किसी पे भी आप जंप कर सकते हैं। रिजल्ट सेट इज इनसेंसिटिव, दैट इज इफ रिकॉर्ड इन द रिजल्ट सेट इज चेंज इन द डेटाबेस बाई अनदर थ्रेड और प्रोसेस, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑलरेडी ओपन रिजल्ट सेट ऑफ दिस टाइप। एंड द सेम विद द सेंसिटिव टाइप, बट इसमें डिफरेंट ये है कि अगर किसी और प्रोसेस ने रिकॉर्ड में चेंज किया है तो ये उसको ये रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो अगर हम फॉरवर्ड ओनली के साथ सिर्फ चेक करें, जैसे ये मेरे पास रीड का ऑपरेशन है, मैं टेस्ट के लिए वैसे यहाँ चीज़ एक ओपन की हुई है, इसी इसी को अगर मैं चेक करता हूँ, रीड रीड में मैं आर एस डॉट नेक्स्ट करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ जी आर एस डॉट प्रीवियस, बाई डिफॉल्ट ओपनिंग है ये, तो आपको ये एक्सेप्शन दे देगा कि भाई ये तो उसको वो जो है ना सपोर्ट ही नहीं करता। रीड दिस, रिक्वेस्टेड ऑपरेशन इज नॉट सपोर्टेड फॉर इज ऑन फॉरवर्ड ओनली रिजल्ट सेट। फॉरवर्ड ओनली के ऊपर आप फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कर सकते। तो ये आपने देख लिया कि नॉर्मल हमारे पास प्रीवियस का फंक्शन काम नहीं करेगा। तो आगे अभी मूव करते हैं, फिर हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म की टाइप है, ये इसके मेथड हैं, आपको पता ही है, पहले हम देख चुके हैं जो प्रीवियस में के रिजल्ट सेट के मेथड कौन कौन से हैं, तो अब ये यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास कंकरेंसी। बाय डिफॉल्ट हमारा रिजल्ट सेट रीड ओनली होता है, आप रिजल्ट सेट के अंदर रिट्रीव करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। रिजल्ट सेट कंकरेंसी डिटरमिन वेदर रिजल्ट सेट कैन बी अपडेट और रीड ओनली। सम डाटाबेस एंड जे डी बी सी ड्राइवर सपोर्ट द रिजल्ट सेट इज अपडेटेड, बट नॉट ऑल डाटाबेस, हर कोई इसको सपोर्ट नहीं करता। रिजल्ट सेट के दो कंकरेंसी लेवल हैं, नंबर एक कंकरेंट रीड ओनली एंड कंकरेंट अपडेट अपडेटेबल। सो बाई डिफॉल्ट इज रीड ओनली, अगर रीड ओनली है तो फिर आप उसको जो है अपडेट नहीं कर सकते, क्यों चेंज इसके अंदर नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब हम देखते हैं अपडेटेबल रिजल्ट सेट और इनकी सबकी एग्जांपल वन बाय वन देखते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है, किस तरह हम अपडेट करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियोस हम इन तमाम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं।